फेरेरो रॉशर चॉकलेट जिसका नाम सुनते ही छोटा से लेके बड़े सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। और हम राखी में अपने भाइयों को चॉकलेट तो ज़रूर से खिलाते हैं, तो दोस्तों क्यों ना इस बार ये चॉकलेट घर पे बनाई जाए। इस प्रकार से घर की बनी हुई चॉकलेट बहुत ही टेस्टी और हाइजीनिकली तैयार होती हैं और ये सबको पसंद आती हैं। तो चलिए सबके फेवरेट 3 प्रकार की फेरेरो रॉशर बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम रफेलो चॉकलेट बना रहे हैं। ये बहुत ही फेमस कैलिफोर्निया की चॉकलेट है। मैंने इसके लिए जो फेरेरो रॉशर में हम लोग शेल यूज करते हैं वही लेना है। इसे मैं 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करूंगी। मैंने इसे माइक्रो कर लिया है, अभी ये क्रिस्पी हो चुके हैं। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब हम चॉकलेट की तैयारी करते हैं। मैंने एक व्हाइट चॉकलेट का स्लैब लिया है, उसको मैंने टुकड़ों में काट लिया है। इसे मैं माइक्रोवेव में 30 सेकंड्स के लिए गर्म कर रही हूँ। अगर ये 30 सेकंड्स में मेल्ट नहीं हुआ तो मैं और 30 सेकंड्स इसे रखूंगी। आप कभी भी 1 मिनट ना रखें, 30 सेकंड्स के इंटरवल पे इसे कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने इसे 30 सेकंड्स रखा था लेकिन ये मेल्ट नहीं हुई थी, तो मैंने इसे वापस 30 सेकंड्स रखा। टोटल 1 मिनट के बाद ये मेल्ट हुई है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप हमेशा अच्छी क्वालिटी की व्हाइट चॉकलेट लीजिए जिससे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तभी हम चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं। ये जो शेल है इसके अंदर मैं ये चॉकलेट भर रही हूँ और इसे हम ऐसे रख देंगे। बहुत ही डिलीशियस चॉकलेट बनती है, आप इसे ज़रूर बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ऑयल बेस्ड कोकोनट एसेंस भी डाल सकते हैं, पर मैं कभी नहीं डालती हूँ, मैं सिर्फ ऊपर ही कोकोनट कोट करती हूँ। ये हेजलनट है, ये हेजलनट हम इस पे रख देंगे। हेजलनट का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इस चॉकलेट में। अब मैं इसे फ्रीजर में 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख रही हूँ। अब ये जो ऊपर का हम लोग शेल लगाएंगे वो हम रेडी कर लेते हैं। उसमें हमें व्हाइट चॉकलेट भर देना है। हमने ये रेडी कर लिया है। अब मैं इसे फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देती हूँ। ये श्रेडेड कोकोनट है, आप देख सकते हैं। इसको मैं 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करूंगी। फ्रेंड्स, इसको 30 सेकंड्स कर लिया है। अब हम इसको ऐसे हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। हमें इसके छोटे छोटे पीसेस चाहिए, ऐसे हाथों से ही हो जाते हैं। मैंने कोकोनट को क्रश कर लिया है। अब हम चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं 2 मिनट के अंदर ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब ये जो शेल है इसके ऊपर मैं चॉकलेट डाल देती हूँ और हम ये जो इसको हम ऐसे सेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसको ऐसे तैयार करके फ्रीजर में सेट करना है। इसके ऊपर मैं चॉकलेट लगाती हूँ, इसके ऊपर मैं ये ऐसे लगा देती हूँ और हम इसे फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। बिल्कुल इसी तरह मैं सारे तैयार कर लेती हूँ। हमने ये सारे रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसे फ्रीजर में 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। अभी हम चॉकलेट असेंबल करना शुरू करते हैं। ये फ्रीजर में सेट हो चुके हैं और मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। अब हम शुरू करते हैं चॉकलेट बनाना। ये जो शेल है उसको हम चॉकलेट के अंदर डिप करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसे हम ऐसे एक्स्ट्रा निकाल लेंगे और इसे हम कोकोनट फ्लेक्स उसमें हम कोट कर लेंगे और इसे हम ऐसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये हमारे रेडी हो चुके हैं, मैं इसको रख देती हूँ। बिल्कुल इसी तरह मैं दूसरा भी रेडी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे रफेलो चॉकलेट बनके तैयार है। अब मैं इसे फ्रीजर में 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। मैंने 2 टेबलस्पून काजू का चूरा लिया है जिसको मैंने दरदरा पीस लिया है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2.5 टेबलस्पून मेल्टेड चॉकलेट। अगर हमें जरूरत लगेगी तो हम आगे और भी डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2.5 टेबलस्पून ही डालेंगे, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिल गई है हमें। अगर आपको ऐसी कंसिस्टेंसी ना मिले तो आप 1/2 टेबलस्पून चॉकलेट और डाल सकते हैं। ये जो हमारा काजू और चॉकलेट का मिश्रण है, ये जो शेल है उसके अंदर हम ये स्टफिंग भर देंगे। हम सारे शेल्स को भर देंगे। मैंने स्टफिंग भर लिया है। अब मैं इसे फ्रीजर में 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। फ्रेंड्स, ये अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब मैं इस पे चॉकलेट लगा देती हूँ थोड़ा सा और इसको ऊपर
ये जो दूसरा लेयर है वो हम लगा के स्टिक कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह हम ऐसे सारे तैयार कर लेते हैं। अब मैं इसे फ्रीजर में 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। मैंने ये पिस्ता का चूरा लिया है, जिसको मैंने इसे हाफ क्रश कर लिया है, वो मैंने लिया है। अब ये जो सेट किए हैं उसे हम चॉकलेट के अंदर डिप करेंगे और इस पे चॉकलेट अच्छे से कोट कर लेंगे, पिस्ता के ऊपर कोट कर लेंगे। फ्रेंड्स ये रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल इसी तरह हम सारे रेडी कर लेंगे। पिस्ता कोट होकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे सेट करने के लिए 2 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। तो चलिए फेरर रोशे चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं। फेरर रोशे चॉकलेट हम आसानी से घर पे बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये छोटे छोटे पीसेस हैं काजू के, जिसको काजू का कनी भी बोलते हैं। आप अगर कोई भी ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे और उसको बोलेंगे काजू का कनी, तो ये छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स काजू के मिलेंगे। ये ज़्यादातर पार्टिकल्स रेस्टोरेंट वाले और मिठाई वाले यूज़ करते हैं। अभी हम फेरर रोशे चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं। मैंने 150 ग्राम स्वीट चॉकलेट ली है और अभी मैं उसको माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के लिए गर्म कर रही हूँ। मैंने चॉकलेट को 30 सेकेंड्स माइक्रो में गर्म किया था, तभी वो मेल्ट नहीं हुई थी, इसके लिए मैंने उसे और 30 सेकेंड्स रखा। टोटल 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। आप एक साथ में 1 मिनट मत रखिए, धीरे धीरे करके चॉकलेट को मेल्ट कीजिए। अभी मैं इसमें ये जो काजू की कनी है वो करीबन 1 टेबलस्पून जितनी डालूंगी। फेरर रोशर चॉकलेट सबको बहुत पसंद आती है और वो घर में आराम से हम बना पाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है। 1 टेबलस्पून काजू के पीसेस डालने के बाद में अगर आपको लगे कि ये पीसेस कम हो रहे हैं तो आप 1/2 टेबलस्पून और डाल सकते हैं। कभी भी एक साथ में मत डालिए, आप मिक्स करते रहिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप दूसरी डालिए। ये रेडी होने के बाद में कम से कम अगर आप रेगुलरली इसके ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं तो आप ऐसे पूरा ये बैच बना के रखिए। जब मैं अपने क्लासेस और ऑर्डर्स लेती थी, मैं 1-1 किलो ऐसे पूरा बैच रेडी करके रखती थी। मैं फेरर रोशर केक भी आगे सिखाने वाली हूँ, जिसमें हमें ये चीज़ काम आने वाली है। अभी मैं इसको साइड में रख रही हूँ। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये फेरर रोशर के शेल हैं, ये वेफर के शेल हैं। फेरर रोशर के अंदर जो एक क्रंची शेल होता है वो इससे बना होता है। ये बहुत ही ईजीली आपको कोई भी कन्फेक्शनरी स्टोर में मिल जाएगा। ये इसी तरह इस पैकेट में मिलते हैं और ऑनलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये मैंने नटेला हेज़लनट पेस्ट लिया है। ये न्यूटेला का पेस्ट आपको कोई भी सुपरमार्केट में इजीली मिल जाएगा। ये शेल के अंदर हम न्यूटेला भरेंगे। ये हेज़लनट है, हेज़लनट एक इम्पोर्टेड ड्राई फ्रूट है और वो इजीली आपको कोई भी ड्राई फ्रूट वाले के यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें हम ये बीच में ऐसे रख देंगे। ऐसे हम सब शेल रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप ये रेसिपी बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। घर पर हम बहुत रिजनेबल रेट में बिल्कुल बाहर मिलती फेरर रोशर बना सकते हैं और बहुत यमी बनती है। हमने सारे एक साइड के शेल्स भर लिए हैं। ये दूसरे शेल में ऐसे नटेला भर के हम ये जो पहला शेल है ये इस पर रख देंगे और इसे हल्का सा ऐसे प्रेस कर लेंगे, जिसकी वजह से वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा। दोस्तों ये वेफर बहुत डेलिकेट होते हैं, तो थोड़ा संभाल के इनके साथ काम करिए। हमने सारे शेल्स रेडी कर लिए हैं। अभी इसको हम फ्रीज़र में करीबन 1/2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। आप देख सकते हैं ये काजू की कनी थोड़ी फूल गई है। फेरर रोशर के बॉल्स फ्रीज में तैयार हो चुके हैं। अभी मैं इसमें चॉकलेट में डाल के उस पर हम कोटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा चॉकलेट को निकाल लेंगे। 2 मिनट आप ऐसे ही पकड़ के रखिए इसको, जिससे कि एक्स्ट्रा चॉकलेट ड्रिप हो जाएगा और फिर इसको हम धीरे से प्लेट में रख देंगे। बिल्कुल इसी तरह हम सारे बॉल्स फेरर रोशर के रेडी करेंगे। हमारे सारे बॉल्स कोट होके रेडी हैं। अभी मैं इसको फ्रीज़र में 2 मिनट के लिए रखूंगी सेट होने के लिए। चॉकलेट अच्छे से सेट हो गया है, अभी हम इसको धीरे से निकाल लेते हैं और जहाँ पे अनफिनिश्ड है वहाँ से एक्स्ट्रा चॉकलेट को हम निकाल लेंगे इस तरह से।
अभी हमने जहाँ से ट्रिम किया था वो पार्ट लेके हम इसको उस पर चॉकलेट अप्लाई कर लेंगे और उसको कवर कर लेंगे। हमारे पास ना तो स्पेशल मोल्ड होते हैं घर में, इसीलिए हम इस प्रकार से चॉकलेट बनाते हैं। दोस्तों आप ये बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। ये बहुत ही बढ़िया बनती है चॉकलेट घर में। हमारे सारे फेरो रोशर चॉकलेट कोट होके रेडी हो चुके हैं। अभी मैं इसको फ्रीज़र में 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख रही हूँ। हमारे फेरो रोशर बन के रेडी हैं। इस प्रकार के रैपिंग पेपर्स मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। पेपर को हम अभी काट के उसके छोटे छोटे पीसेस बना लेते हैं। अभी हम इसमें एक अपना फेरो रोशर का बॉल रखेंगे और इसको जैसे बाहर मिलता है बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल ही अनइवन ऐसे ही रैप करके उसको रेडी करेंगे। और ऐसे पेपर कप्स इजीली मिल जाते हैं कोई भी बेकरी कन्फेक्शनरी स्टोर में, हम उसमें ये रख देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल बाहर मिलता है वैसा ही फेरो रोशर तैयार हुआ है। अगर आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा, घर पे बनाएंगे और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है। हमारे फेरो रोशर बन के तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।